धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जीसस क्रिस्ट, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं भाला प्रभु। साचा धर्मी उद्धारकर्ता यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। हे नासरी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जिंदा प्रभु, पवित्र, धर्मी, सहायता कीजिए खुदावन यीशु। आपके हजूरी में आए हैं प्रभु जी, आपके चरणों के निकट घुटने पे हैं खुदा। तरस खाइए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हमारी सुनिए और उतर दीजिए। पूरे दिन प्रभु आप संभाले हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आँखों के पुतली की नहीं, हमारा और हमारे परिवारों का ख्याल रखे हैं, उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हद तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आदर भी करते हैं प्रभु, आपका सम्मान भी करते हैं खुदा। और प्रभु जी, आज के रात्रि के लिए भी आपके अनुग्रह को आपसे मांगते हैं, आपकी दया कृपा प्रभुता करुणा को आपसे मांगते हैं प्रभु। सहायता कीजिए खुदा। पूरे दिन प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे ऊपर था, पूरे रात्रि भी होने पर अनुग्रह कीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो। अस्तुतियों में वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं प्रभु। अभी तक जीवित है क्योंकि आपने रखे हैं प्रभु, अभी तक स्वस्थ है प्रभु जी, परिवार भी चंगा भला है क्योंकि आप प्रभु रखे हैं। आपकी स्तुति हो। मेरा चरवाहा, मेरा गड़ेड़िया आपकी स्तुति करते हैं। मेरा रखवाली करने वाला, अपने आँखों के पुतली के नाई, मेरे परिवार के एक एक सदस्यों को संभाल करके रखने वाला, अपने पनाह में, अपने छत्र छाया में पालने वाला खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, सहायता कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जितने जन, जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज के शाम की इस प्रार्थना को प्रभु जी रिसीव किए हैं, हे प्रभु उन सबों को सुख, शांति और समृद्धि दीजिए। जो समस्याएँ उनके जीवन में हैं, जो परेशानियाँ, दिक्कत उनके जीवन में हैं, उस समस्याओं को, परेशानियों को, दिक्कत को प्रभु खत्म कर दीजिए। अनुग्रह कर खुदा, एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बड़े बुजुर्ग, हाँ सबके सब आपकी ओर से आपकी शांति को, सुख चैन को पाने पर सहायता कीजिए प्रभु जी। अपने सीने से लगाइए हर एक को प्रभु, जितने आज की शाम में आपके सामने घुटना टेके हैं, आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, उन सबों को अपने सीने से लगाइए और प्रभु सुकून दीजिए, आराम दीजिए, शांति दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो रोग बीमारी हे खुदा मनीषु, इस भाई को, इस बहन को तंग कर रहा है, सता रहा है, उस रोग बीमारी को प्रभु जी इनके अंदर से निकाल दीजिए। हे प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु जी, जो रोग बीमारी उन लोगों के अंदर पाया जाता है और रोग बीमारी हमेशा के लिए निकल जाए, इसके लिए प्रभु जी उन्हें छू लीजिए, सबों को छू लीजिए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर खुदा। जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत से बातों को लेकर के सोचते हैं, चिंता करते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके लिए प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनके ऊपर दृष्टि कीजिए, ध्यान दीजिए, ताकि वो डिप्रेशन में से बाहर आ जाए, हाँ चिंता से स्वतंत्र हो जाए, तनाव से प्रभु जी स्वतंत्र हो जाए, फालतू सोच से छुटकारा पा जाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, हर एक के जीवन में ऐसा काम कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए
कि हर एक जीवन से आपकी महिमा होगे, आपकी तारीफ होगे, आपकी बड़ाई होगे। हाँ प्रभु, आप ही का आदर सम्मान होगे। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपयालु, अति करुणा में, अति सामर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम सहायता कीजिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह, गाइड कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह का, जिनके अंदर बेचैनियाँ हैं, घबराहट है, डर की आत्मा है, हताश की आत्मा है प्रभु जी, घबराहट की, हबेकुलता की आत्मा है प्रभु। हे खुदावन यीशु, उनके अंदर प्रभु जी आपके प्रेम को, आपके रूह को मांगते हैं, ताकि उनके अंदर से घबराहट, बेचैनियाँ, डर खत्म हो जाए, संदेह निकल जाए। अनुग्रह कर खुदा, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, बेकुलता से छुटकारा दीजिए। अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात भी संभालिए। अच्छी मीठी नींद दीजिए प्रभु, जो काम जो कार्य आज के दिन में पूरा नहीं हो पाया, उस कामों को, उस कार्यों को बहुत ही जल्द आप पूरा कीजिए। हर रुके हुए अधूरे कामों को प्रभु से बहुत जल्द पूरा कीजिए। जो काम नहीं बनता है वो काम बनने पाए। उलझन को सुलझा, बाधा रुकावट को खत्म कर, हर एक के दुखों के ऊपर दृष्टि कर। हाँ प्रभु से, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबों के दुखों के ऊपर दृष्टि कर, परेशानी के ऊपर, दिक्कत समस्या के ऊपर दृष्टि कर और प्रभु छुटकारा दे। स्तुति हो प्रभु जी, सबों के जीवन में झांके और जो कुछ की जरूरत, आवश्यकता हो, कमी घटी हो, अद्भुत रीति से पूरा कर। सब कुछ भरपूरी से दे स्वर्ग के पिता। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, पढ़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, मददगार खुदा, आपकी स्तुति करते हैं। सलाहकार प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। पावन प्रभु यीशु मसीह, सुखदायी, हाँ हमें सुख देने वाले, शांति चैन देने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, यहोवा ईरे, उपाय कीजिए प्रभु। जितने इस प्रार्थना को प्रभु जी रिसीव किए हैं, जो कुछ की जरूरत हो प्रभु, प्रभु जी उपाय कीजिए। जो कुछ की आवश्यकता हो प्रभु, उपाय कीजिए। हे राफा, जिनको चंगाई की जरूरत है, चंगाई दीजिए। हे नीसे, विजय देने वाले खुदा, श्यामा शलोम, रुआ राफा, आपकी स्तुति करते हैं। अनुग्रह कीजिए सेनाओं के यहोवा, ऊंचे पर विराजमान, हाँ स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, सियोन में विराजमान, पवित्र सिंहासन पर विराजमान खुदा यीशु, आपकी स्तुति करते हैं। जाति जाति के ऊपर, राज राज के ऊपर अनुग्रह करने वाले, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, गाइड करने वाले खुदा, धन्यवाद देते हैं। कृपा प्रभुता करने वाले खुदा, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी। अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं उन सबों को और उन सबों के परिवार में। हाँ प्रभु, उन सबों के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, एक एक सदस्यों को भी अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए। सबके सब अपने बिछौने में निश्चित पूरे रात सोने पाए,
किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होखे, तकलीफ ना होखे, डरावना बुरा सपना किसी को ना आए, शैतान दुष्ट करुण मनुष्य किसी के ऊपर अटैक ना करे, विपत्तियाँ किसी के ऊपर ना पड़े, दुख है किसी के डेरा के निकट ना आए, कोई कलेश किसी के परिवार में ना हो। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर, शांति की आशीषें दे, सुख चैन की आशीषें दे प्रभु जी, हर्ष उमंग की आशीषें दे प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। आज का दिन अच्छा था, आज का रात्रि भी अच्छा होने पर, और आने वाला कल भी प्रभु जी बहुत अच्छा होने पर सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए खुदा, ढेर सारा खुशियाँ, हर्ष उमंग, आने वाला कल, हाँ आने वाला कल, आने वाला समय, घड़ी पल हमारे जीवन में लेकर आने पर सहायता कीजिए। आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी आप ही दिखाए हैं हे प्रभु जी, एक और नए दिन में, सुंदर समय में प्रभु आप हमें, हाँ आप हमें जगाएंगे, हमारे आँखों को खोलेंगे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हे प्रभु। जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु आपसे आशा रखते हैं, उनकी आशा को पूरा, जो कुछ के लिए, हाँ जिस कामों के लिए, जिस कार्यों के लिए आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, बनाए रखिए, सबों को आपकी सहायता मिले, आपकी गाइड मिले, आपकी सहारा मिले, आपका अगुवाई मिले, मार्गदर्शन मिले। अनुग्रह कर खुदा, जिनका विश्वास आप पर अटल है, वो सब प्रभु आपके अनुग्रह और महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखें प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए उनके जीवन में, आप काम कीजिए, चमत्कार कीजिए खुदा, आश्चर्य कर्म कीजिए खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, महिमा करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी, जो आपसे प्रेम करते हैं, हाँ आपके सब आज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं, उसका पालन करते हैं हे प्रभु। भजन संहिता 91 अध्याय के उसका 15 पद के अनुसार, जब भी वो लोग आपको आवाज़ दे, पुकारे, उनकी सुनिए, क्योंकि आपका जीवित वचन ऐसा ही बोलता है, आप ऐसा ही बोलते हैं प्रभु जी। 14 और 15 पद में कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो होने दीजिए प्रभु, जो आपसे स्नेह किए हैं, यानी कि प्रेम किए हैं, यानी कि आपके सब आज्ञा को मानते हैं, उसका पालन करते हैं हे प्रभु, उनकी सुनिए, सारे संकट से छुड़ाइए, ऊंचे स्थानों पर बैठाइए प्रभु, ऊंचा पद दीजिए, आगे बढ़ा करके ऊंचे पर नियुक्त कीजिए स्वर्गीय पिता, उनकी महिमा बढ़ाइए प्रभु, मान सम्मान को बढ़ाइए, नामधराई को दूर कर दे, अपमान को दूर कर दे, और प्रभु जी मस्तक को ऊंचा कर, अनुग्रह कर खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं लॉर्ड जीसस, अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर, दया कृपा कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उस पर दृष्टि कीजिए, हाँ प्रभु ध्यान दीजिए, और उत्तर सबों को हाँ आमीन में दीजिए। फेसबुक पेज पर जो अपनी प्रार्थना विषय दिए हैं, प्रभु ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस, सबों की सुनिए और उत्तर दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए,
इस प्रार्थना को जितने जन जितने लोग प्रभु सुन रहे हैं, ओ लोग प्रभु जी आपकी ओर से जो चाहते हैं, आपकी ओर से जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु जी उनकी चाहत पूरी होने पर अनुग्रह कर खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन।